नमस्कार मित्रों, रुचि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे का उल्लंघन अपनाए। ज्ञान और विज्ञान यह दोनों सहोदय भाई है। ज्ञान अर्थात चेतना को मानवीय गरिमा के अनुरूप चिंतन तथा चरित्र के लिए आस्थावान बनने तथा बनाने की प्रक्रिया। यदि ज्ञान का अभाव हो तो मनुष्य को भी अन्य प्राणियों की भ्रांति स्वार्थपरायण रहना होगा। उसकी गतिविधियां पेट की श्रुद्धा निवारण तथा मस्तिष्कीय खुजली के रूप में काम वासना का ताना बाना बनते रहने में ही नष्ट हो जाएगी। मनुष्य भी एक तरह का पशु है, जन्मजात रूप से उसमें भी पशु प्रवृत्तियां बड़ी होती है। उन्हें परिमार्जित करने के सुसंस्कारित एवं आदर्शवादी बनाने का काम जिस चिंतन पद्धति का है उसे ज्ञान कहा गया है। गीताकार का कथन है कि ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र अन्य कोई वस्तु नहीं है। न ही ज्ञाने न पवित्र मिद विद्यते। ज्ञान वह अग्नि है जो सड़े गले उबले लोहे को अग्नि संस्कार करके मांडुर भस्म लौ भस्म आदि अमतोपम गुण दिखा सकने योग्य बनाती है। प्रतित पापी मूर्त पशु महामानव ऋषि आदि की काया एक ही तरह की होती है। उसकी बनावट और रहन सहन पद्धति में कोई अंतर नहीं होता। फिर जो एक को गया गुजरा और दूसरों को आकाश में छाया देखते हैं, वह उसकी ज्ञान चेतना का ही चमत्कार है। वह है स्तर की है तो मनुष्य निर्थक या अनर्थ मूलक कामों में लगा हुआ दृष्टिगोचर होगा। यदि यह ज्ञान पवित्र श्रेष्ठ और उत्साहवर्धक हो तो वही शरीर ऐसा काम करते हुए दिखाई देगा जिससे असंख्यों को प्रेरणा मिले और उसका अनुगमन करने वालों के लिए भी प्रगति का मार्ग प्रस्तुत होगा। ज्ञान अतिरिक्त जीवन में संबंधित है और वह चेतना क्षेत्र में प्रभावित करके उचित अनुचित का अंतर करना सिखाता है। दूरदर्शी विवेकशीलता के आधार पर जो निर्णय या निर्धारण किए जाते हैं उन्हें ज्ञान का सद्ज्ञान का ही अनुदान करना चाहिए। ज्ञान का सहयोद्रय है विज्ञान। विज्ञान अर्थात पदार्थ ज्ञान हमारे चारों और अगणित वस्तुओं बिखरी पड़ी है। वे अपने मूल रूप में प्राय निर्थक जैसी है। उन्हें उपयोगी बनाने और उनकी विशेषताओं को समझने के लिए प्रक्रिया विज्ञान है। विज्ञान के मनुष्य को साधन संपन्न बनाया है। अन्य प्राणियों इस जानकारी से रहित है, इसलिए निकटवर्ती आहार को उपलब्ध करने में ही अपनी क्षमताओं समाप्त कर लेते हैं। यौवन की तरगत मन में उठने पर वे प्रजनन कृत्य में भी अपना विशिष्ट पुरुषार्थ प्रदर्शित करते देखे जाते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त शरीर के साथ मिलने वाली स्वाभाविकता है। उन्हें विज्ञान नहीं मिला, विज्ञान केवल मनुष्य की विशिष्ट उपलब्धि है। आग जलाना, कृषि, पशुपालन, वास्तुशिल्प, भाषा, चिकित्सा आदि एक से एक बढ़कर जानकारी उसने प्राप्त की है और उनके सहारे साधन संपन्न बना है। कभी विज्ञान की परिधि छोटी थी और उसके सहारे जीवनोपयोगी वस्तुओं तक का ही उत्पादन एवं प्रस्तुतिकरण होता था, पर अब बात बहुत आगे बढ़ गई और प्रकृति के अनेकानेक रहस्य खोज निकाल लिए गए है। इस ना भी नहीं वर्णन इससे भी आगे बढ़कर दूसरों के साधन छीनने वाले
उन्हें असमर्थ बनाने वाले प्राण घातक अस्त्र शस्त्र भी बनते लगे हैं, जिस विज्ञान से सुख साधनों की वृद्धि को स्वप्न देखा जाता है, वही यदि विनाश या पतन की सामग्री प्रस्तुत करने लगे तो आश्चर्य और असमझन की बात है। आज ज्ञान और विज्ञान दोनों ही अपनी पूर्णावस्था में है। विडंबना एक ही है कि वे सीधी राह चलने की अपेक्षा उल्टी दिशा अपने रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग न करके विरोध का रुख अपनाए हुए हैं और तरह तरह के दाव पेचों का आविष्कार कर रहे हैं। इन गतिविधियों से वह धारा अवरुद्ध हो गई जो अब तक मनुष्य को समर्थ और सुखी बनाती रही है। अब उनमें प्रयास भस्मासुर जैसे ही चलते रहे। जिसने उन्हें विकसित किया उसी मनुष्य का है हीन बताते और जीवन संकट खड़ा करने के लिए उद्यत दिखते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।